हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन क्लासेज। तो आज अपन पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में पार्ट फोर। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा कुछ कारण की वजह से। हाँ, तो आज अपन शुरू करते हैं पैसिव वॉइस। तो आज अपन इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, इम्परेटिव यानी होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक। आदेशात्मक तो इसका रूल्स होगा, जैसे रूल है इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, इनविटेशन और एडवाइस। इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है जो रिक्वेस्ट, इनविटेशन और एडवाइस को प्रकट करता है। आर चेंज, और यह चेंज्ड इनटू द पैसिव वॉइस बाय पुटिंग, यानी इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बाय पुटिंग द एक्सप्रेस यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी यू आर रिक्वेस्ट टू में इनको परिवर्तन कर देते हैं, जैसे या एडवाइज में टू में भी कर सकते हैं, इट इज एक्सेट्रा। In the beginning of the passive voice sentence in negative, we use not to. अगर passive voice के sentence की शुरुआत में अगर कोई negative नकारात्मक ही हो तो अपन not to का use करते हैं। अगर reported speech वाला sentence interrogative हो और इंट्रोगेटिव होने पर अपने इसमें यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनाते हैं, और अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसमें नोट का भी यूज लेते हैं, तो नोट टू का यूज ले लेंगे। जैसे इनके एग्जांपल होंगे, एग्जाम्पल है जैसे प्लीज हेल्प मी, तो इसको अपन बनाएंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे ये। अब जैसे आगे हैं, जैसे अपन बनाएंगे इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हेल्प मी को ऐसे कैसे उतार देंगे, जैसे प्लीज काइंडली मैडम ये आए तो उनको हटा देते हैं। जैसे वर्क हार्ड आ रहा है तो भाई मेन वर्क के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो अपन यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड बन कर देंगे। तो अपन अगर मेन वर्क के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो यानी इम्परेटिव सेंटेंस हो तो अपन या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं या यू आर एडवाइज टू से बनाते हैं। तो वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, इसमें सेंस किसका आ रहा है, एडवाइस का आ रहा है, सेंस एडवाइस का आ रहा है, तो अपन किसका लगाएंगे, तो एडवाइस टू का यूज लेंगे। अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, और एडवाइस का सेंस आ रहा है तो एडवाइस ही लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट होगा
अब रूल है जिसे इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड ईटीसी आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस विथ द हेल्प ऑफ लेट सच सेंटेंस लेट सच सेंटेंस मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट इन देम कि इंपरेटिव सेंटेंस आदेश कमांड यानी इत्यादि को प्रकट करता है और इनको परिवर्तन पैसिव वॉइस के अंदर परिवर्तन अपने लेट की मदद के साथ करते हैं और ऐसे सेंटेंस के अंदर अपन उनके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यानी अपन को क्या रखना चाहिए एक ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। अब जैसे इसका पैटर्न है जिसे पैटर्न ऑफ द पैसिव सेंटेंस बिकम्स और पैटर्न होगा जिसे लेट लेट होगा एल ई टी ये गलत होगा LET होगा लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल और मेन वर्ब। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं जैसे जैसे एग्जांपल आ रहा है डू इट तो अपन इसको बना सकते हैं जैसे सबसे पहले किससे बनाएंगे लेट फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इट है तो अपन इट लिख देंगे इट के बाद में बी आ रहा है तो बी लिख देंगे और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल और मेन वर्ब लिख देंगे ठीक है तो मेन डू की हो जाएगी डन डू डिड डन। हाँ जैसे अपना नेक्स्ट एग्जांपल होगा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर तो अपन लिखेंगे लेट से ही बनाएंगे तो अपन ने बनाएंगे लेट अब अपना ऑब्जेक्ट होगा ए ग्लास ऑफ वाटर तो अपन ने लिख दिया इसके बाद बी का यूज लेंगे। अब फिर अंत में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब लिखेंगे तो ब्रिंग की हो जाएगी ब्रॉट और मी आ रहा है तो फॉर का यूज ले लेंगे मी हो जाएगा। हाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।